So finally, we are over here. I am a little nervous because obviously, dusra iguana. Nobody knows about it. I'm not kidding. किसी को पता नहीं है. और बहुत बहुत अजीब सा experience होने वाला है ये. काफी ये वैसे rational decision तो नहीं. काफी time से मैं plan कर रहा था. मैंने पूरा setup भी बना के रखा है उसका. मैं सब कुछ दिखाऊंगा. पर अभी तक पापा को ये नहीं पता है कि मैं लेके जाने वाला हूँ. तो यस, हम हैं राहुल भैया के घर पर. And let's go. आज उन्होंने promise किया है कि that he is gonna show something very interesting. तो आज उनसे मिलते हैं और please wear the mask. मैंने भी वीडियो के लिए उतार रहे थे और थोड़ा फनी मास्क है पर मेरे पे थोड़ा डर लग रहा है. So sorry. कैमरामैन देवांश के साथ. बेल खराब है क्या? बेल खराब है. अच्छा बजी थी बेल. अरे अरे तो भी हाँ मैं तो राहुल भाई को सब जानते हैं ऑब्वियसली. अगर नहीं जानते तो जान लेना. You can check out his channel also. Check out his content on Instagram. He's the most ethical guy. मतलब ethical guy. In terms of animals. I would say. And आधा बंदा चलता है. यानी look at him. क्या कहाँ से कब लिया आपने? ये बेटा बहुत दिनों से request कर रहा था. तो हमने काफ़ी दिनों से ढूंढा था कोई ऐसा जो बच्चों के साथ अच्छा रहेगा. तो ये अपार्टमेंट के हिसाब से, फैमिली के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से बेस्ट डॉग है. इसका नाम है टिंटिन. फ्रेंच बुल डॉग है. अच्छी क्वालिटी का है. एप्रिकॉट कलर का है. मैं वैसे ज़्यादा इंटरेक्शन वैसे ना फ्रेंच बुल डॉग के साथ रहा नहीं है मेरा. So what do you guys think? Should I get one? Should I get him? निहाल सिंह के लिए. ये निहाल सिंह का है. निहाल सिंह इज राहुल भैया's son. ठीक है, बड़ा वाला सन. यार इसको थोड़ा सा वो ऑफ करो ना. आवाज आती है. तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन गाइस, राहुल भैया इज इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ रेस्क्यूज विद अस नाउअडेज ना. और काफी चीजें अभी ये हमारे काफी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ये फंड भी करने वाले हैं. काफी बहुत कोशिश कर रहे हैं कॉन्जर्वेशन की. तो ये इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मेल. एज क्या होगी इसकी? ये करीबन 4 महीने के आसपास का. तो ये तो अपना ही है ना, घर का ही. ये घर का ही है. इसकी शक्ल देखो यार. क्यूट सा यार, बिल्कुल. चल बेटा, बॉडी बिल्डर्स की तरह सोचते हैं जी. तो आकाश, आज जो है ना, मेरे पास देखो, जब मेरा कहना है जितनी बार भी हम लोग मिलते हैं ना, हर बार कुछ ना कुछ नया होता है. अभी तो मुझे आना पसंद है यहाँ पे. तो ये टिंटिन है, डेफिनेटली ये फैमिली मेंबर होने वाला है. दिस इज गोइंग टू बी माय सन्स पेट. अच्छे से रहेगा उसके साथ. इन द मीनवाइल, जब मैं टिंटिन को लेने गया था तो मुझे बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज साथ में मिली. मैं वो भी छीन के ले आया. तो इसे आमतौर पे लोग जो है क्रीप आउट कर जाते हैं, डर जाते हैं, बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं. करीबन 6 इंच की मकड़ी है. अरे, तो वी हैव अ टारंटुला. वेरी नाइस. सॉरी फॉर द वियर्ड कट गाइस, वी जस्ट हैड ओ अभी एक रेस्क्यू कॉल आ गया था तो मैंने फॉरवर्ड किया है वो इस वजह से. ओय. तो आकाश, ये है कोस्टा रिकन कर्ली हेयर टारंटुला. तो बिगिनर्स के हिसाब से सबसे बेस्ट होती है. रीजन, एक तो इसका जो वेनमस है वो ना के बराबर होता है. दूसरा, एग्रेसिव नहीं होती. तीसरी, किसी भी हैबिटेट को आसानी से अडॉप्ट कर लेती है और अच्छी पेट बन जाती है. इसका साइज मतलब आई मीन ये मैंने 5 इंच के आसपास की है. अभी ग्रो और करेगी, 6 इंच के आसपास जाती है. मैंने कर्ली हेयर तो पहली बार देखी है लाइफ में. गिफ्ट दे रहे हो क्या? देखो कर्ली हेयर तो तुमने पहली बार नहीं देखी. तुम्हारे देखो कर्ली हेयर मैंने है. कर्ली हेयर तुमने पहली बार देखी है. तो यस, सो दिस इज यार, इसको हाथ में ले सकते हैं. आज का चैलेंज ही यही है. मैं तुम्हें बोलने वाला था कि इसे हाथ में लेना पड़ेगा, इसके साथ फोटो खिंचानी पड़ेगी. ठीक है, चलो थोड़ा सा एंजॉय. फोटोग्राफ डालते हैं इंस्टाग्राम. मैं भगवान से दुआ करूंगा ये तुम्हें काट ले.
अरे अब मिलियन व्यूज आ जाए यार व्यूज चलो वो तो बस प्यार से कहते हैं लेट्स ट्राई हैविंग दिस बैठ जा भाई आराम से बैठ जा तो दिस इज अ वेरी कंफर्टेबल टैंटुला बहुत अच्छे से ये बैठी हुई है और बहुत चिल कर रही है हम इसको परेशान नहीं करेंगे एंड वी विल ट्राई कि हम इसको ध्यान से आराम से अपने हाथ में लेते हैं तो एजेंडा ये रहेगा कि इसे तंग नहीं करना है लेकिन अगर ये खुद प्यार से अगर हमारे हाथ में आएगी तो वो हमारे लिए बोनस होगा नहीं आती है तो कोई बात नहीं तो यार आकाश ने पहली बार जो है टेरेंटुला देखी और उसको हैंडल करने लगा हमारी मैंने पहली बार देखी नहीं है मैंने कर ली हेयर भाई कर ली हेयर और यार ये थोड़ा सा ना वैसे हो रही है अरे वाह यार वाह 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 यार फर्स्ट टाइम की हैंडलिंग और इतना इजी स्मूथ मजा आ गया हम सांप ऐसी थोड़ी पकड़ लेते हैं अरे भग गई ओए उसने उसने बहुत सारे जाला फेंक दिया मेरे पे यार रुको चलो वी विल ट्राई दिस अगेन बहुत आराम तो जी मकड़ी ने तय कर लिया कि आज उसने मेरा घर देखना है घूम के आना है ओए बोल्ट कर रही है नो 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 बोल्ट है आगे से ले ले यार आगे से ले ले awesome, awesome. What a creature, man. Awesome, मेरे पसीने किस तरीके से छूट सकते हैं आपको वो दिख ही रहा होगा देखो मैं ना ऐसे एज अ पेट और प्यार से पकड़ना होता है तो उसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान रख के पकड़ यार टाइम लगता है पेशेंस है लेकिन ये अच्छी बात है कि जानवर परेशान नहीं हो रहा हैंडलिंग में आपको डर लग रहा है कोई बात नहीं काट भी ले आपको तो भी कोई बात नहीं होली क्रैप वो क्या तो वेब है ना पूरा ये अरे पूरा वेब छोड़ रही है यार अरे मैं खाना नहीं हूं ओए मैं खाने जा लगता हूं लपेट दो मैं सिर्फ लगता हूं टिड्डे जैसा इसको नीचे ये वापस वेंट बैक वेरी नाइस क्रिएचर ब्यूटीफुल क्रिएचर तो इनका अगर अगर हम जैसे मार्केट में भैया इनको वैसे जाते हैं और लेने या फिर बहुत सारे शौकीन लोग होते हैं ना हमारे पास जो आते हैं इनके लिए कभी कभार और बहुत सारे लोग हैं जो कि सोचते रहते हैं इनके बारे में एंड दे रियली वांट टू नो कि इनका प्राइस वगैरह क्या होता है क्या एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो अराउंड कुछ ब्रांड अच्छा, मैं दो बातें इसमें बताना चाहता हूँ सबसे पहली बात तो इसमें ना मैंने जो नोटिस किया देखो मैं मकड़ियाँ सेल नहीं करता मेरे लिए भी मुझे बड़ा यूनिक लगी तो आई थॉट आई हैव अ पेट ठीक है मुझे मैंने पहले भी मकड़ियाँ कनाडा में पाली तो मुझे एक्सपीरियंस है इसके साथ तो मैं ले आया जो मार्केट है इसका जो मैंने देखा वो ये 10-12-15 के बीच का है 10-15 के बीच का ब्रैकेट है 10-12-15 इसमें क्या है कि मेल जो है 5 साल की उम्र के लिए जिएगा फीमेल 25 साल की उम्र के लिए जिएगी अच्छा हाँ तो that's really weird. भाई, तो होता क्या है कि मेल और फीमेल के प्राइजेस अलग अलग होते हैं ये मैंने बड़ा नोटिस किया तो होता क्या है कि जब मेल फीमेल का प्राइस अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि मेल 5 साल का है फीमेल 25 साल का हर बंदा चाहता है कि उसको एक तो बड़ी मकड़ी हाथ में आए क्योंकि फीलिंग आनी चाहिए अब टेरेंटुला इतनी सी जो स्लिंग देते हैं लोग बेच रहे हैं उसमें फीलिंग आती है वो दीवार की मकड़ी लगती है जब बड़ी मकड़ी है तो आप चाहोगे कि वो कुछ टाइम आपके साथ रहे तो ये वाली फीमेल है तो मैं इसके कल 12,500 के आसपास कुछ देकर के आया हूँ 500 का उसने मुझे एक बड़ा इंक्लोजर भी दिया ये इसका टेम्परेरी वाला इंक्लोजर है ताकि दो दिन ये अपने पुराने इंक्लोजर में रहकर सेटल हो जाए उसके बाद हम इसको एक बड़ा अच्छा सुंदर इंक्लोजर देंगे बिल्कुल बिल्कुल वेरी ब्यूटीफुल स्पाइडर यू हैव हेलो हेलो मिस्टर तो हमारे पप्पू भाई आप अपने गांव के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे बोलो पप्पू गांव वालों के लिए क्या बोलना है जय माता दी जय माता दी ये पप्पू ने बताया पहले तो बोल रहे हैं ये भी बोल दो
बोलो कुछ बोलो बढ़िया था। तुम्हारी क्या नाम है, बीवी का क्या नाम है? चलो बोल दो आई लव यू ऑल। बिहार जिंदाबाद, यही बोल दो, खत्म। जिंदाबाद इंडिया जिंदाबाद। Such a beautiful creature, man. So what do we call them? क्या? ये sugar glider का क्रिमिनो मतलब मुझे पता है ये क्रिमिनो है। मैं ना वीडियो की वजह से आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है? हाँ, मुझे तो मेरे को ऐसे मत लेना कि मेरे को कुछ नहीं। I know यार, I know. I'm just kidding. So we have क्रिमिनो sugar gliders over here. यार they are quite जो शुगर ग्लाइडर्स हैं, शुगर ग्लाइडर की एक बड़ी फनी बात ये होती है, ये कंगारू से मिलते जुलते होते हैं एक चीज में। कंगारू भी थैली में, पेट की थैली में बच्चे पालता है, ये भी पेट की थैली में बच्चे पालते हैं। ये वाले जो शुगर ग्लाइडर्स हैं स्पेसिफिकली, ये बहुत हायर एंड की म्यूटेशन है, इसको बोलते हैं क्रिमिनो शुगर ग्लाइडर। इंडिया में ही गिने चुने पेयर हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि गिने चुने 10 या 12 पेयर है, कुछ ज्यादा क्वांटिटी में, लेकिन गिने चुने पेयर है। नॉर्मल शुगर ग्लाइडर मिल जाता है, ये वाला बहुत मुश्किल से मिलता है, तो ये हमने अपने पर्सनल कलेक्शन में एड ऑन किया है। वैसे नॉर्मल भी अगर नॉर्मल इफ यू गाइस वांट टू हैव प्लीज कांटेक्ट हिम, मेरे प्लीज डोंट मैसेज मी। लोगों को लगता है कि मैं इनसे ये बेचता हूँ ग्लाइडर्स को। आप लोग मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो, मेरे पेज को फॉलो कर सकते हो। फेसबुक पर है एनआरपी के एक्सोटिक के नाम से, और यूट्यूब पर है निहाल पेट्स के नाम से, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर निहाल पेट्स के नाम से। मुझे कम से कम 1000 मैसेज आ चुके हैं कि शुगर ग्लाइडर्स दे दो दे दो। अब मैं ऐसे फॉरवर्ड नहीं करता किसी का कॉन्टैक्ट, क्योंकि लोग बोलते हैं कि तुझे तो कमीशन मिल रहा होगा वो सब, पता नहीं क्या बोलने वाला कुछ भी बोल रहा है। सांप पकड़ के आ रहा हूँ मैं अभी ना रेस्क्यू करके। और अभी एक और रेस्क्यू कॉल आया था, वो फॉरवर्ड किया, लोग को मैं कमीशन खाऊंगा क्या यार मैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये ना हमें झेल रहा है, मतलब 11 सालों दुखी कर दिया तुमने। नहीं नहीं, पर देखो कितने प्यारे तरीके से बैठा हुआ यार, बड़ा प्यारा बच्चा है यार। मुझे इसका कलर बड़ा पसंद है, एप्रिकॉट कलर ना मुझे बहुत पसंद है। मेरा कई साल पहले पग था इस कलर का, भोलू सा। चलो, इनके कान बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं ना। पर इनको अब कहते हैं ना, वो थोड़ी होता तो इसका नाम भोली पंजाब नहीं रख देते। भोली पंजाब पर कहते हैं ना, इनको थोड़ी सी मेडिकल प्रॉब्लम्स भी काफी डेवलप हो सकती है। ये वाली ब्रीड प्रोन होती है उसके ना। देखो, हर एक ब्रीड के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है, कुछ परेशानियां हैं, कुछ वो। अगर आप खाना अच्छा दे रहे हो, मैंने इसको रॉयल कैनिन का खाना रखा हुआ है, प्रॉपर केयर है, हम लोग पूरा दिन ध्यान रखते हैं। मेरे बच्चे के साथ, जो मेरा बेटा 7 साल का है, मेरा बेटा 1.5 साल का, उनके साथ अगर कोई एनिमल रहने वाला है तो मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा कि भाई उस एनिमल की भी अच्छी केयर हो। बिल्कुल सही बात है, वेरी नाइस। तो फाइनली अब सब कुछ खत्म करके मुझे मेरे इगुआनास दिखा दो। आओ जी, अब आपको आपके इगुआनास दिखाते हैं, जो कि आप काफी दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे लेने। हाँ, के लिए पापा को देने वाला हूँ मैं ना। आपको पता है मेरे पापा कितने सेंटी हो जाते हैं ना, वो जब ऑलिव के बारे में। अब तो महीने हो गए उस बात को, काफी महीने क्या, हाँ ऑलमोस्ट साल ही हो गए। पर फाइनली वी हैव द इगुआना। बहुत सारे लोगों ने बोला मुझे ऑलिव 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 वाज द फेस, ऑलिव शक्ल थी मेरे चैनल की। क्या जैसे सलमान खान ने बॉडी बिल्डिंग चालू करवाई थी ना बॉलीवुड में, उन्होंने इंडिया में इगुआना को लेकर के बाहर घूमने वाला ट्रेंड चालू करवाया था। इगुआना का क्रेज ना, ऐसा नहीं कि लोग पहले इगुआना नहीं पालते थे, बट जो क्रेज वो जो चालू हुआ था ना, वो उसी वीडियो के बाद से चालू। पर एक्चुअली में ना मैं उसको बाहर लेके घूमने का ना एक वो बहुत बड़ा रीजन था, अवेयरनेस ना, वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस भी मिल रही थी लोगों को। पर फिर वो वीडियो देख के लोगों ने, सीपी वाला वीडियो देखकर लोगों ने वो चालू हो गए लोग। बहुत लोगों की दुकानें इंडायरेक्टली चला दी। हाँ, पेट शॉप वाले वो इगुआना प्रोवाइड कर रहे थे ना कि आप लेके जाओ, यूट्यूब का वीडियो बनाओ, लेके घूमो इनको, पता नहीं क्या चल रहा है यार पेट इंडस्ट्री में ना। और सबसे फनी बात, चलो ये बातें तो होती रहेंगी। सो वी हैव द इगुआनास विद अस, और अभी इनको बास्किंग के लिए रखा हुआ था, तो इनको ना एक टैंक में ट्रांसफर किया हुआ है। और सबसे फनी बात, एक टिड्डा आके बैठ गया और अब इनका वो खाना खा रहा है। यार दिस इज सो फनी, देखो कितने अच्छे लोग हैं हम। तो आज की जो इनको डाइट दी है वो दिया है कि फाइनली चॉप्ड पम्पकिन और हिबिस्कस फ्लावर की लीव्स को दिया है। और मैं चूज करने वाला हूँ इनमें से ना, देखो सारे सारे यू कैन सी दे ऑल आर हेल्दी, मस्त एकदम बास्किंग करके बैठे हुए हैं, मूवमेंट इनके सही है, सब हेल्दी है प्रॉपर ना। देखो सारे हेल्दी है, मैं आपको बताऊँ, अगर आप इगुआना चूज कर रहे हो तो चूज करते हुए आप हमेशा 2-3 चीजों को नोटिस करो, खासतौर पे जब आप कोई बेबी चूज कर रहे हो। तो जैसे अगर आपने कोई बेबी लिया, पहले तो ये देखो कि वो एक्टिव है या नहीं है। दूसरी चीज है उसकी टेल का फैट जो है, पता नहीं आप कैमरा वाले भाई आप कवर कर पा रहे हो इसको कि नहीं,
जो टेल का जो फैट रिजर्व है वो बॉडी के रेशो में एकदम प्रॉपर होना चाहिए, बिल्कुल स्किनी टेल नहीं होनी चाहिए, लेग्स बहुत ज्यादा स्किनी नहीं होनी चाहिए, एनिमल जो है एक्टिव होना चाहिए। तो उस तरीके का लोग नोटिस करो कि भाई टेल डैमेज ना हो, कईयों की टेल डैमेज होती है, कईयों का अलग अलग सिचुएशन होते, कहीं कोई इंजरी ना हो, कोई इंसेक्ट ना लगा हुआ हो, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए लोग। और याद रखना ये इगुआना थोड़ी सी जंपी होती है छोटे वाली। यार आई होप आप लोगों ने नॉलेज थोड़ी सी ग्रहण कर ली हो, क्योंकि मैं तो थोड़ा ध्यान नहीं दे पाया। यार इगुआना खरीदते हुए खास तौर पर ध्यान रखो। देखो पहली चीज, दो तरीके की आपको इगुआनास मिलती है, एक होती है वेल ब्रेड, मतलब जिनका बहुत ध्यान रखकर, बहुत पैसे लगाकर और बहुत एक एक चीज अच्छे से ध्यान रखकर दे ब्रीड देम, और दूसरी होती है वो 3-4 हजार रुपए की, जो कि आप पेट शॉप्स पे जाते हो और बोलते हो कि हमारे लिए मंगा दो, और फिर वो एक छोटे से केज में बेचारे क्रम्बल्ड केज में एक इगुआना बैठा होता है, और बस इट्स वेरी सैड। यू कैन सी दैट दे आर सो ब्यूटीफुल। सो मैं सिर्फ एक ही लूंगा इनमें से और मैं एक ही अफोर्ड कर सकता हूँ। इफ यू गाइज वॉन्ट टू नो द प्राइस, आई विल फॉर श्योर टेल यू गाइज, एंड दे आर वेरी ब्यूटिफुल। सो आई एम गोना हैव ये वाला। इसने क्या किया है किसी का, या इसने क्या किया है? देखो मैं बताता हूँ जिस तरीके से अभी मैंने बोला ना, व्हाट मेक यू चूज इगुआना, कि आपने क्या सोच के इगुआना चूज करी, चारों एक जैसे लग रहे हैं, ये बताओ ताकि बंदा भी वो फॉलो करेगा। चलो ठीक है, मैं ये बताने की पूरी कोशिश करूंगा। पहली चीज, सबसे पहले मैंने जैसे बोला कि ये, तो इनके चेहरे पे जो ऐसे भीनी भीनी स्माइल आई कि साले ये क्यों ले रहा है, वेरी ब्यूटीफुल। यार ये अंदर की बात थोड़ी बहुत होती है। देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इन चारों को देखोगे ना, वी हैव फोर ऑफ देम, एक ही सिर्फ ऑड वन आउट है, एक ही में ऑड वन आउट, मतलब एक टेंट जो है इसका बहुत अलग है, और इसकी आईज भी बहुत अलग है। यू कैन सी द आईज, मतलब बहुत तो नहीं, पर हाँ थोड़ी बहुत अलग तो है यार। आई दिखाओ ना, फोकस करने दो उस पे। हाला, और अगर आप देखोगे हल्का सा, आई कैन सी अ लिटिल रेडिश, which is a good sign, which is actually a good sign, good sign. ये बहुत healthy, अच्छे तरीके से properly breed किया है इनको। और मैं आपको main बात बताता हूँ, मैंने इसको choose क्यों किया है, ये बात और कोई नहीं बता सकता मेरे अलावा। मैं इसको उठाने वाला था तो इसने मुझे चाट लिया था तो किसी गलती इसने मैंने इसको ले लिया। ये लॉजिक भैया, ये अपरंपार लॉजिक है। देखो अच्छा, सारी बातों से हट करके याद रखो, आंखें पूरी खुली हो, अरे they are eating, हाँ देखो खाना खा रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो हिबिस्कस फ्लावर जो है आपको क्यों खिलाना है, क्योंकि एक तो आपकी इगुआना का कलरेशन बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया कलर आएंगे, दूसरा न्यूट्रिशन वाइज बहुत अच्छा है। आप सिर्फ फूल ही नहीं खिला सकते हिबिस्कस का, गुड़हल का फूल ही नहीं खिला सकते, गुड़हल की पत्तियां भी धो के काट के छोटी छोटी खिला सकते हो। मेरे यहाँ तो पार्क में हो जाती है, मैं वहां से ले आता हूँ, सभी लोग वहीं से ले लीजिए तोड़ के, हफ्ते में एक बार दो बार वो दीजिए, डाइट चेंज करते रहिए। याद रखिए सबसे पहले और सबसे ज्यादा खिलाने हैं पत्ते, सबसे ज्यादा खिलाने हैं पत्ते, लीफी वेजीज, ठीक है, लीव्स ज्यादा खिलानी है। सेकंड नंबर पे खिलानी है वेजिटेबल्स, और थर्ड नंबर पे खिलाने हैं फ्रूट्स, बस और कुछ नहीं खिलाना। यार मेरे चैनल पे ऑलमोस्ट 250-300 वीडियोस हो गए, उसमें 100 तो होंगे ऑलमोस्ट, 100 के 100 वीडियोस में मैंने उसकी डाइट बताई है, और हर वीडियो में है एक कवर, और तब भी लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन होता है इगुआना लाने के बाद, इसको हम क्या करें। सो अब इसका पेट भर गया है, इसने बहुत सारा कद्दू खा लिया, कद्दू तो इसने बहुत सारा कद्दू खाया है। आफ्टर अ वेरी गुड मील ही इज गोना बी रिलीज्ड, ये यहीं से आया था, तो नाउ ही कैन गो। चलो आई एम गोना लीव हिम यहाँ पर। तो यार आकाश ने अपने लिए ये वाली अल्बाइनो इगुआना चूज करी है, इसने सारा देख के परख के
चार देखी पहले, उसमें फिर थोड़े नखरे किए इसने, नखरे करने के बाद फाइनली ये वाली चूज करी है। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उसको उठाने के लिए हाथ डाला, उसने मुझे चाट लिया, मैंने उसे चूज कर लिया उसमें बोले नखरे कर दिया। अरे यार मैं उनको अवेयर कर रहा हूँ कि यार आप लोग भी ऐसी तैयार रहो। तो प्लीज कोई भी गवाना आप अगर ले रहे हो उसके पास बहुत सारा टाइम स्पेंड करो, जब तक वो खाना ना खा ले तब तक उसको मत लो, क्योंकि जितने भी मैंने पेट शॉप में देखे हैं, मैंने देखा था, मैं नाम नहीं लूंगा उस पेट शॉप का, मैं वहां पर गया था, वहां पर एक छोटा सा केस था, उसमें एक छोटी सी इगुआना थी, नहीं छोटी सी नहीं थोड़ी बड़ी थी इगुआना, देखने से पता लग रहा था कि काफी ज्यादा ही गलत उसको एनवायरमेंट में रखा होगा, और मैंने बोला कि ये कितने की बेच रहे हो, क्या कह रहे कि वो बिक चुकी है, ऑर्डर की है, अगर आपको चाहिए तो आप पैसे दो, हम ये मंगा देंगे आपको, 8-9 हज़ार कुछ बताया था उसने मुझे, ऐसे ही कुछ। और वो बेचारी इतनी दहशत में थी, वो कुछ खाना पीना कुछ नहीं खाती थी। होता ये है कि अगर आप जंगल का कोई जानवर पकड़ के लाते हो वाइल्ड कॉट, वो अग्रेसिव रहता है, उसकी नेक्स्ट जनरेशन को जब आप ब्रीड करते हो उसमें भी हाफ एग्रेशन रहता है, थर्ड जनरेशन में जाकर के एग्रेशन खत्म होता है, तो याद रखना। और जो यार मैं ज्यादा टेक्निकल में जाऊंगा परेशान हो जाऊंगा, कहने का मतलब है कि हरी चीज जो है वो जंगली वाले जीन्स उसके अंदर एक्टिवेट रहते हैं और वो एग्रेसिव रहती है, फीमेल्स जो होती हैं वो काम होती हैं, इसके पास फीमेल थी वो काम नेचर की थी, जो मेल्स होते हैं जो मोस्टली अब जितने भी आ रहे हैं वो मेल्स ही आ रहे हैं मोस्टली। ऑलिव का थाईलैंड से थी, ऑलिव की माँ थाईलैंड से थी, ऑलिव की माँ थाईलैंड से थी। सो एवरीबॉडी We will take this, छोटू सा गाय। मैं सोच रहा था कि दूसरे वाले डियो में मैं अपने पापा का ना पूरा रिएक्शन कवर करूंगा, बट आई डोंट नो, लेट्स सी क्या करते हैं। अभी तो मैं इसको घर पर लेकर जा रहा हूँ और घर पर इसको इनक्लोजर में छोड़कर उसके बाद जल्दी से एक दो रेस्क्यू कॉल्स में लगेंगे। तो बच्चे रेस्क्यू कॉल्स पे मैं भी अच्छा, मैं भी अब नया रेस्क्यूअर हो गया हूँ भैया, मैंने भी अभी हाल फिलहाल में इनको हेल्प करी है, इन्होंने कल ही वुल्फ स्नेक से कटवाया है, तो आई एम प्राउड ऑफ देम। हाँ, वुल्फ स्नेक से कटवाया भी है, रेस्क्यू भी किया है और आज वो रिलीज करने जा रहे हैं हम लोग। तो याद रहे हम लोग क्यों रेस्क्यू कर रहे हैं, क्यों रिलीज कर रहे हैं, पहली बात कि वी गाइज आर परमिटेड, वी हैव दी सर्टिफिकेट्स, वी हैव दी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड, वी हैव ऑल दी परमिशंस एंड वी आर बीइंग कॉल्ड फॉर दैट रेस्क्यू, खुद जाके नहीं ढूंढ रहे, उठा लिया, उठा के छोड़ दिया, लोग बुलाते हैं तब उसको मजबूरन वहां से हटाना पड़ता है, वरना लोग मुझसे मार देंगे। ठीक है, एक्जेक्टली, हम मजे नहीं लेते और उठाने के 24 घंटे के अंदर अंदर हम उसे रिलीज कर देते हैं। हाँ जी, वो ये वाली मैं लाइन क्रॉस कर दूंगा। चलो एनीवेज लेट्स गो।